बैतूल विधानसभा में भाजपा के हिंगोली के विधायक तानाजी मुटकुले 8 दिनों के प्रवास पर आए। उन्होंने रविवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक तानाजी ने दावा किया कि बैतूल विधानसभा में इस बार भाजपा का प्रत्याशी ही जीतेगा। मुटकुले का कहना है कि कांग्रेस विधायक के जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं और ना ही उनका कोई विकास कार्य दिख रहा है। तानाजी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास को लेकर जो प्रतिबद्धता दिखाई है वे आज हर जनमानस को समझ आती है। उन्होंने बताया कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे चर्चा की, लोगों से संपर्क किया। इसमें लोगों ने उन्हें बताया कि भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है, खासतौर पर महिला पुरुष अनुपात को लेकर प्रदेश में बहुत अच्छे काम हुए हैं। वहीं मुलताई विधानसभा क्षेत्र के किसानों में आक्रोश को लेकर किए गए सवाल पर भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला ने कहा कि पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने योजना तकनीकी बदलाव कराया जिसका खामियाजा 35 गांव के किसानों को हुआ है, लेकिन हमने पिछले दिनों सारणी दौरे पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों की मुलाकात कराई है, जल्द ही समस्या का निराकरण होगा। महाराष्ट्र आया हूँ, तानाजी मुटकुले हिंगोली विधानसभा का मैं 2 बार से विधायक हूँ और विधायक प्रवास योजना के तहत मैं पिछले 8 दिन से बैतूल विधानसभा में हमारे बूथ अध्यक्ष हो या बूथ समितियाँ हो या पुराना कार्यकर्ता हो सबसे मैं मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का 2 बार से जिलाध्यक्ष था, जिला सचिव था, किसान मोर्चे का अध्यक्ष था और पार्टी का काम कैसा करना है बूथ लेवल पर ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता काम करना चाहिए, इसलिए मैं गया 8 दिन से यहाँ लोगों के पास जा रहा हूँ।